वेलकम, हम अगले सेट की शुरुआत करते हैं जो 18 जून में सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था। ये पेपर हालांकि कैंसिल हो चुका है पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आगे की आपके पेपर वन की तैयारी के लिए इस तरीके के सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे। अब अगर आप सैम्पलिंग की हमारी क्लास देखेंगे तो उनमें हमने सारे ही सैम्पलिंग मेथड्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अगर एक बिहेवियर को हम थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करें और फिर उससे कंक्लूजन निकालें, ये मेनली जो किस में होता है, ये मेनली एनिमल रिसर्चेस में होता है। अगर आपने कोई दवाई किसी जानवर को दी है और उस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस पर आप किस तरीके से उसको स्टडी करेंगे, तो इसको हम कहते हैं फोकल सैम्पलिंग। हम उस पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका फोकल सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 50 इज डिवाइडेड इन सच अ वे कि ए को बी से 5 रुपया कम मिलता है और बी को सी से 10 कम मिलता है। तो मान लीजिए सी, बी और ए है। सी को मानते हैं कि 25 मिला, अब बी को 10 कम मिला तो ये हो गया 15 और ए को 5 और कम मिल गया इससे तो ये हो गया 10। अब अगर इसको जोड़ें तो 50 बनता है, 40 और 10 50 बन जाता है। तो अब इसका सिंपली रेशो निकालना है तो 2:3:5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस तरीके के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स ध्यान से और अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो भी कंट्रीज टॉपिक्स में आती हैं, ठीक है, उन सभी कंट्रीज में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो नेशंस आते हैं वहाँ सभी दूर सौर्य ऊर्जा बहुमत में पाई जाती है। और क्योंकि ये बेहद अमाउंट में पाई जाती है, इससे हम सोलर एनर्जी कन्वर्जन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 3। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने इसको क्लासेस में कवर किया है। अगला क्वेश्चन आपको सिंपली मैच करना है, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, बिशप कॉलेज शिपपुर चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा स्थापित है, के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पर करेक्ट मैचेस हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि किसको किस मेल प्रोटोकॉल से क्या किया जाता है। तो FTP है फाइल ट्रांसफर, सो इससे फाइल ट्रांसफर की जाएगी। तो D से आपका होता है 4। अब D से 4 आपका किस में होता है, ये D से 4 आपका होने वाला एक ही चॉइस है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली सही आंसर हो गया। अब HTTP जो है वो क्या करेगा, HTTP वेब सर्वर पे पैकेट्स भेजेगा। ठीक है, SSL जो है वो इनक्रिप्ट करेगा ट्रांसमिशन के लिए, और SMTP ईमेल्स भेजेगा इंटरनेट से। तो ये आपके करेक्ट मैचेस यहाँ पर हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन। अब यहाँ पर आपको बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए 0 to 9 हम काउंट में लेते हैं और उसके बाद ए बी, तो ए 10 हो जाता है, बी 11 हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 8B, तो ये हो गया 11 × 16⁰ और 8 × 16⁰। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 139। इसी तरीके से अगले वाले को सॉल्व करेंगे, 2 × 8⁰, 1 × 8⁰, 1 और 2 × 8⁰, 2। 64 और 2 = 128, 8 और 1, इसको जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये होता है 138। ठीक है, सॉरी, और 2 × 8⁰, तो 1 हो गया, तो 2 × 1 = 2 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 138 हो जाता है। इसी तरीके से 267 बेस पे है, तो 0 × 7⁰, 6 × 7⁰, 1 और 2 × 7⁰, 2। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यूज आ जाती हैं 49 × 2 = 98 + 42 + 0, तो ये हो गया आपका 140। लास्ट वाला क्वेश्चन 2⁻⁰ है, फिर ये वाली हो गया 2⁻², 2⁻³, 00 इग्नोर कर दिया और ये हो गया 2⁻⁷। तो 2⁻⁷ होता है आपका 128। ठीक है, 2⁻³ होता है 8, 2⁻² होता है 4 और 2⁻⁰ × 1 होता है 1। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 141 आता है। अब आपको सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे कम वैल्यू इसकी है, बी की है, बी के बाद में आपकी नेक्स्ट वैल्यू आती है ए की, ठीक है, फिर आती है सी और डी, तो बी ए सी डी आपका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है
के न्याय साइलॉजिज्म, जिसे हम भारतीय दर्शन में मानते हैं, जो न्याय दर्शन है, उसमें हम तीन टर्म्स लेते हैं और पांच प्रपोजिशंस लेते हैं। तीन टर्म्स कौन सी हैं? पक्ष, साध्य और साधना, मेजर, मिडिल और माइनर। तो ये तीन टर्म्स होंगी और पांच प्रपोजिशंस होंगे, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपमान और निगम। तो उपायन और निगम, सो ये आपके पांच प्रपोजिशंस हो गए। अगर आपने न्याय फिलोसफी, न्याय दर्शन की हमारी क्लास डिटेल में देखी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन वापस डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ए टू जेड सारे लेटर्स लिखने हैं। ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरीके से आप चलते रहेंगे तो हर की वैल्यूज आती रहेंगी। तो बी का हो गया 2, ए का हो गया, ओ का हो गया 15, और इस तरीके से आप बाकी के सारे लेटर्स ऐड करेंगे तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी कोड की। एक सिंपल चीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि जैसे बोल्ट और सोल्ड, तो मैंने ओ और एल की वैल्यू ले ली कॉमन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बी के ए दो आगे ये है और टी के एक पीछे ये है, तो दो आगे और एक पीछे मतलब एक आगे हो गया, दो आगे और एक पीछे, ठीक है ना। तो प्लस 2 माइनस 1 इस तरीके से कर लीजिए, तो प्लस 1, तो जो बोल्ट की वैल्यू आएगी सोल्ड की वैल्यू उससे एक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको हर को इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेथड इंपॉर्टेंट है कि हम इस नंबर्स पे कैसे पहुंचेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ हैं बी की, ओ की, एल की, टी की, उनको हम जोड़ते जाएंगे और उनका जो सम होगा वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। ए को हम 1 मानेंगे, जेड को हम 26 मानेंगे, तो ए से जेड तक ए बी सी इस तरीके से 1 2 3 हम चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किताब मैथमेटिक्स की है? तो इसमें से लीलावती जो है वो भास्कराचार्य द्वारा लिखा गई है, जिसमें सिद्धांत शिरोमणि उसका पहला अध्याय है, और ये जो है एक मैथमेटिक्स या गणित की बहुत वेल नोन किताब है, जिसमें फॉर्मूलेस की डेरिवेशन नहीं है पर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट बहुत कम समय के लिए रहता है और अनस्टेबल है? देखिए, परसिस्टेंट नाम से ही है कि बहुत समय रहेगा, तो ये गलत चॉइस हो गई। पीएच भी काफ़ी समय रहता है, और स्मॉग, हम देखते हैं कि फॉग प्लस स्मोक, जो कोहरा होता है और जो धुआं होता है उसके संयोग से जो बनता है उसको हम स्मॉग कहते हैं, और ये स्मॉग कई दिनों तक एटमॉस्फेयर में पाया गया है। दिल्ली में अक्सर आप न्यूज़ सुनेंगे कि बहुत समय से विजिबिलिटी पुअर है स्मॉग की वजह से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर अब स्मॉग बनता किस वजह से है, इस पर शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मॉग बनता किस से है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड्स और VOCs कंबाइन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। तो VOCs जो होते हैं वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट होते हैं, तो VOC आपका यहाँ पर सही उत्तर होता है। तो ये थे आपके अगले 10 सवाल, जुड़े रहिए अगले 10 सवालों के लिए।